है इस चैनल में और आज हम जानेंगे इस एलईडी बल्ब के बारे में। और ये देखिए एलईडी बल्ब, ये बहुत सारा एलईडी बल्ब है। ये जो है दोस्तों ये 12 वाट का एलईडी बल्ब है, तो ये सही है एलईडी बल्ब। और जो खराब है दोस्तों उसे कैसे हम रिपेयर करेंगे वो आज हम जानेंगे। और ये देखिए दोस्तों ये जो एलईडी बल्ब है इसका ये अंदर किट लगा हुआ है। और ये दोस्तों ये जो एलईडी बल्ब है ये ओरेवा का एलईडी बल्ब है। ये देखिए ये ओरेवा कंपनी का एलईडी बल्ब है। और ये एलईडी बल्ब का ये जो दोस्तों ये एलईडी बल्ब का ये देखिए किट, जिसमें बहुत सारे एलईडी बल्ब लगा हुआ है। ये करीब 52 एलईडी बल्ब इसमें देखिए, यहाँ 55 एलईडी बल्ब है टोटल दोस्तों। और ये खराब हो चुका है, तो अगर ये एलईडी बल्ब अगर खराब हो जाए तो कैसे हम रिपेयर करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे एलईडी बल्ब को मैं रिपेयर किया हूँ। तो यहाँ से ये बल्ब को हटा करके यहाँ आप सोल्डिंग आयरन का हेल्प लेकर के सोल्डिंग कर दें तो ये बहुत तक सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये 12 वाट का जो एलईडी बल्ब है उसका है। और ये देखिए दोस्तों ये भी जो है 12 वाट का किट है ये। और ये देखिए दोस्तों ये भी जो किट है ये भी 12 वाट का किट है, ये देखिए। और यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए 12 वाट का लिखा हुआ है, 12 वाट, ये 12 वाट का किट है। और ये जो है दोस्तों ये छोटा साइड का जो किट है, ये देखिए दोस्तों ये 9 वाट का जो ये छोटा सा एलईडी बल्ब में यूज होता है जो है। और ये जो कैप है दोस्तों ये सभी खुला हुआ है दोस्तों। जो खराब है उसे कैसे रिपेयर करेंगे वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका। और दोस्तों वीडियो जो है वो पूरा देखिए तभी ये समझ में आएगा किस तरह से मैं इसे रिपेयर करूंगा। जो तो ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों ये जो है ये भी एक बल्ब जो है एलईडी बल्ब, ये 12 वाट का एलईडी बल्ब है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये देखिए 12 वाट लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 वाट एलईडी बल्ब, और इसमें 25 एलईडी लगे हुए हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों, और ये जो है ये एक जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये भी है दोस्तों, ये भी 12 वाट का एलईडी बल्ब है। और ये जो है दोस्तों ये छोटा सा, ये देखिए इसके सारे बल्ब जो है बिल्कुल सही है। एक यहाँ जो डैमेज हो चुका था उसे मैं यहाँ रिपेयर कर दिया हूँ। तो ये बल्ब जो है 9 वाट का एलईडी बल्ब है। और ये दोस्तों ये जो सब कैप है, ये देखिए ये ओरेवा का जो एलईडी बल्ब है 12 वाट का, ये आप देख सकते हैं। तो ये एलईडी बल्ब का कैप है, और ये जो है ये भी एलईडी बल्ब का कैप है। ये जो 12 वाट छोटा दो, ये दोनों एलईडी बल्ब जो है वो 12-12 वाट का है, और ये भी 12 वाट का दोस्तों। और ये जो है 9 वाट का है, तो इसमें ये यूज होगा, और ये इसमें, और ये इसका है दोस्तों। और एक ये जो है ये एक अलग से है जो खराब हो चुका था दोस्तों। और ये जो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये भी जो है 12 वाट का एलईडी बल्ब है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए 12 वाट एलईडी बल्ब। दोस्तों ये जो बल्ब है इसमें कोई ये सब किट का यूज नहीं किया जाता है, ये सब किट का यूज जो है वो सिर्फ ये सब एलईडी बल्ब में यूज होता है। और ये जो है दोस्तों ये डायरेक्ट आप बाजार से लाइए, और इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और लाइन जो लिखा हुआ है वहां पर आप एक एक कनेक्शन कर दें और इसे आराम से आप लाइन में दे दें, तो ये ऑटोमेटिक ही दोस्तों ये जलेगा। और ये दोस्तों इसमें कोई भी आप किट का यूज ना करें, इसमें कोई भी किट का यूज नहीं होगा। यहाँ देखिए दोस्तों छोटे छोटे जो बहुत सारे कंपाउंड का यूज किया हुआ है वो इससे ही जलाएगा। और ये 12 वाट का एलईडी बल्ब है। तो दोस्तों इस तरह से ये एलईडी बल्ब है। और ये देखिए दोस्तों इसके पार्ट वगैरह जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसका जो पीछे का जो कैप है वो लगा हुआ है। और यहाँ देखिए यहाँ पर मैं इसे सोल्डिंग करूंगा, और इसमें मैं दोस्तों ये यूज करूंगा, ये जो एलईडी बल्ब है 12 वाट का, ये किट को मैं इसमें यूज करूंगा। और इसके साथ दोस्तों मैं ये जो एलईडी बल्ब है इसका मैं यूज करूंगा इसमें, और इसका जो कैप है दोस्तों उसे मैं यूज करूंगा। और अब जो दोस्तों ये सब को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, वो सब का कनेक्शन कैसे करना है चलिए वो हम देखते हैं। अब मैं ये सबको यहाँ से हटा लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों एक एलईडी बल्ब में क्या क्या यूज होता है वो देखिए, इसके पार्ट वगैरह।
ये देखिए दोस्तों, इसका जो हेडसिन है, ये हेडसिन फर्स्ट नंबर में ये हेडसिन इसका है, और ये जो पीछे का जो होल्डर में जो हम यूज करते हैं दोस्तों, वो ये पीछे का जो भाग है ये दूसरे नंबर पर ये लगा हुआ है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इसके ये किट जो है जो इसको सप्लाई पावर जो देगा, और ये एलईडी बल्ब जो है ये हमारा, ये एलईडी बल्ब इसमें हम यहाँ पर प्लस और माइनस को सोल्डिंग करेंगे, और यहाँ देखिए कनेक्शन बना हुआ है माइनस का, और यहाँ जो है दोस्तों वो प्लस का है साइन, तो इस तरह से यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव को हम कनेक्ट करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो हेडसिन है जिस पर ये एलईडी बल्ब को इस तरह से हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे भी खोल लिया हूँ, और ये जो है ऊपर का कैप है, तो चलिए दोस्तों मैं अब इसे इसमें सेट कर लेता हूँ। तो इसे सेट करने के लिए दोस्तों ये सोल्डिंग आयरन जो है इसका मैं हेल्प लूंगा। ये सोल्डिंग आयरन अभी गर्म हो चुका है, और ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से यहाँ पर इसे हटा करके, और सबसे पहले मैं ये जो किट है उसके जो, ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो इस किट में कनेक्शन जो दिया हुआ है, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, जो एलईडी बल्ब में यहाँ कनेक्ट होगा इसमें, और ये जो है जिससे हम लाइन इनपुट देंगे वो कनेक्शन यहाँ किया हुआ है। तो ये कनेक्शन को मैं इसमें डालकर यहाँ पर दोनों को निकाल के और यहाँ मैं सोल्डिंग कर दूंगा। तो चलिए अब मैं इसे इसमें डाल करके सोल्डिंग कर लेता हूँ। पीछे वाले दोनों कनेक्शन को मैं सोल्डिंग कर दिया हूँ सोल्डिंग आयरन की हेल्प से, और ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ये सोल्डिंग हो चुका है। तो आप इसे अंदर सेट भी कर सकते हैं ये जो किट है इसको। तो इस किट को मैं यहाँ इस जो कैप जो बना हुआ है दोस्तों, वहां मैं इस तरह से सेट कर दूंगा, और ये देखिए ये आसानी से अंदर इन हो चुका है, और ये देखिए दोस्तों, ये जो किट है आसानी से अंदर चला गया है। और अब मैं दोस्तों यहाँ पर ये ऊपर का जो भाग है इसका हेडसिन जो है दोस्तों, वो हेडसिन को मैं इस तरह से, अगर ये टेढ़ा हो जाए दोस्तों तो इसे आप पीट कर सही कर लें, ताकि ये यहाँ पर अच्छी तरह से ये बैठ जाए। तो अब दोस्तों मैं इसका जो कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन मैं यहाँ पे लगा करके और ये पार्ट को मैं अंदर डाल इसे सेट करूंगा। तो अब इसे आप यहाँ लगा लें इस तरह से, और ये जो मैं खोला था दोस्तों, ये जो कनेक्शन है इसके कनेक्शन को सही से यहाँ करके उसके बाद कनेक्शन मैं करूंगा ये दोनों कनेक्शन को, और ये जो भाग है उसे सही से बैठाना है। तो उसे बैठाने से पहले दोस्तों मैं ये एलईडी बल्ब जो है, ये एलईडी बल्ब को आप यहाँ से सेट कर लें। ये देखिए इसका जो नेगेटिव भाग जो यहाँ दिया हुआ है, तो वहां पहले हम इसे सेट करते हैं, सोल्डिंग कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, और ये यहाँ सोल्डिंग हो चुका है, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर पॉजिटिव का, तो उस पॉजिटिव के पॉइंट को ये देखिए मैं पॉजिटिव पर सोल्डिंग कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये सोल्डिंग सेट करने से पहले ये जो कैप है, ये आप देख रहे हैं, ये जो इसका हेडसिन है उसे आप सही से बैठाएं, क्योंकि जब ये एलईडी बल्ब ग्लो करेगा तो ये हीट ज्यादा होता है दोस्तों, और इसके हीट के हीट को ये जो एल्युमिनियम है दोस्तों, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण इसके जो गर्माहट है दोस्तों उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि ये हमारा एलईडी बल्ब खराब ना जल्दी हो जाए उसके लिए। तो दोस्तों इसे आप सही से यहाँ पर बैठाएं, इसीलिए इसका हेडसिन को दिया गया है। और इस तरह से मैं यहाँ ठोक के इसको बैठा लेता हूँ दोस्तों, और बैठाने के बाद फिर आप यहाँ पे ये इसके कनेक्शन जो है दोस्तों वहां पर, और यहाँ देखिए, और इस तरह से मैं यहाँ पे स्क्रू से इसे टाइट कर दूंगा ताकि ये हिले ना। तो चलिए अब मैं छोटे छोटे दो स्क्रू से इसे टाइट कर लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें ये दो स्क्रू ड्राइव की हेल्प से यहाँ पर ये दो स्क्रू को टाइट कर दिया हूँ, और ये एलईडी बल्ब इसमें टाइट हो चुका है दोस्तों, ये हेडसिन में। और दोस्तों ये हेडसिन बैठाने का एक और तरीका है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, जिस तरह से मैं यहाँ अलग किया था सभी को, तो इस तरह से आप बैठा दें
ताकि ये अच्छे से ये लॉक हो जाए, ताकि ये इसके गर्माहट को ये अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो ये एलईडी बल्ब जो है दोस्तों वो जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए इसमें हेडसिन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसे सबको अच्छे से बैठा दूंगा। फिर अगर दोस्तों इसे खोलना है तो यहीं से आप इसे इस सील को यहाँ से अलग करके खोल भी सकते हैं, और इस तरह से ये लॉक हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों क्या ये एलईडी बल्ब सही है। तो इस तरह से हम ये एलईडी बल्ब तो अब बना लिया हूँ, और अब मैं इसे एलईडी बल्ब को इस वायर को देखिए, ये जो वायर है इसे मैं यहाँ दोस्तों इस बोर्ड से मैं इसे चेक करूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ डाल दें, और ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये बल्ब सही हो चुका है। जहाँ दोस्तों एलईडी बल्ब जो ग्लो नहीं कर रहा है वो हट चुका है वहां से, और इस तरह से दोस्तों ये सही है। और इसका कैप आप ऊपर से इसका कैप लगा दें, और ये देखिए दोस्तों ये एलईडी बल्ब बिल्कुल सही हो चुका है। ये देखिए इसका लाइट रोशनी जो है दोस्तों, तो ये बल्ब सही हो गया। किस तरह से हम असेंबल करेंगे वो आज हम इस वीडियो में जानें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो इस तरह से डालूं तो उसका आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये जो क्रैक यहाँ हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये बल्ब जो है वो सही हो चुका है दोस्तों।